हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज हम बनाते हैं पंजाबी भरवा करेले, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पंजाबी करेला भरवा बनाने के लिए मैंने आधा किलो करेला लिया है। इसको अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। करेले को दोनों तरफ से कट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल इस प्रकार से। फिर करेले को हम छिलनी की हेल्प से ऐसे छील लेंगे। करेले का भरवा कई प्रकार का बनता है, तो आप एक बार इस प्रकार भी बनाकर देखिए। इस प्रकार से बनाने से करेला बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। इसी प्रकार से सारे करेले के छिलके हम निकाल लेंगे। सारे करेले को मैंने छील लिया है। अब करेले के बीच में हम कट लगाएंगे, दोनों साइड थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे और इस प्रकार से हम सावधानी पूर्वक कट लगाएंगे। जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ इसी प्रकार से कट करिएगा कि अच्छे से होल हो जाए। ये देखिए, मैं दूसरा करेला भी आपको कट करके दिखा रही हूँ। इसी प्रकार से चीरा लगा लेंगे। चीरा लगाने के बाद करेले के बीज को हम निकाल लेंगे। इन बीज को हम फेंकेंगे नहीं, स्टफिंग में इस्तेमाल करेंगे। सारे करेले के बीज इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। अब आप देखिए, करेला पूरी तरीके से खाली हो चुका है, जिससे कि हमारी स्टफिंग इसमें अच्छे से भर जाए। अब करेले में एक चम्मच नमक लगाकर आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, जिससे कि करेले का पानी निकल जाए, क्योंकि इसी से करेला का कड़वापन कम हो जाता है। ऐसे ही हाथ से मसल मसल कर करेलों को रख दीजिएगा। आधे घंटे या 15 मिनट के लिए, कम से कम इतना तो रखिएगा ही। आधे घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि करेले ने पानी छोड़ दिया है। और अब इन करेलों को हम स्टफिंग के लिए रखेंगे। इसके लिए मैंने एक छन्नी ली है। पानी को मैंने पहले ही भगोने में गर्म करने के लिए रख दिया है। करेले आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्ट फ्राई करके या स्टीम करके। तो यहाँ पर मैं आज स्टीम करके बना रही हूँ। जो लोग कम ऑयल पसंद करते हैं, ये उनके लिए बहुत बढ़िया है। इससे तेल भी कम लगता है और खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। ये देखिए फ्रेंड, करेले ने कितना पानी छोड़ा है। इसको हम फेंक देंगे या कोई जो पीना चाहे आप उसे दे सकते हैं। करेले के ऊपर नमक लगा है, इस नमक को हम हटाएंगे नहीं। भगोने में मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था, आप देख सकते हैं पानी गर्म होना शुरू हो गया है। अब इसके ऊपर इसे हम रख देंगे और ढक देंगे। कम से कम 50% तक स्टीम करेंगे। चलिए तब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। भरवा करेला आप अगर तेल में बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मगरेल डालेंगे, इसे कलौंजी भी कहते हैं। एक चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ पर मैं स्टफिंग 1 किलो करेला के हिसाब से बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको आधा किलो करेला भर के दिखाऊंगी। 250 ग्राम मैंने प्याज ली है, इसको मैंने चॉप्ड कर लिया है। प्याज को मुलायम होने तक हम भूनेंगे। थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे, जिससे कि प्याज हमारी अच्छे से मुलायम हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, प्याज अच्छे से मुलायम हो गई है। अब हम इसमें आधा किलो टमाटर डालेंगे। इसको भी मैंने चॉप्ड कर लिया था, या थोड़ा बड़ा बड़ा आप कट कर लीजिए।
एक चम्मच हल्दी डालेंगे, डेढ़ चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च डालेंगे, नमक टेस्ट के अनुसार डालिएगा। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। आपने कई तरह के कलौंजी मसाला वाले करेले भरवे खाए होंगे, लेकिन आप एक बार ये वाला भी बना करके देखिए, सच में दोस्तों खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसमें करेले के बीज भी डाल देंगे जो मैंने निकाले थे, इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ज़्यादातर तो हम करेला भरवा कलौंजी मसाला से ही बनाते हैं, लेकिन ये वाला भी आप बना के देखिए, सच में खाने में बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानिए बच्चे तो मांग कर खाएंगे, इतना अच्छा लगता है। अब थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे कि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके टमाटर का पानी हम सुखा लेंगे। लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि हमारा पानी अच्छे से सूख जाए। अब गैस को बंद कर देंगे। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कलौंजी मसाला। ये कलौंजी मसाला मैंने घर पर बनाया है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। गैस को बंद करने के बाद ही कलौंजी मसाला डालिएगा। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। और इधर अब हम चेक कर लेते हैं कि करेले अच्छे से स्टीम हो गए हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं कि करेले अच्छे से स्टीम हो गए हैं और हमें 50% तक ही स्टीम करना था। आप डायरेक्ट फ्राई करके भी भरवा करेला बना सकती हैं। और ये जो पानी बचा है इसे आप फेंकिए नहीं, इससे आप किचन की टॉवल्स या कोई चिकनाई युक्त बर्तन अच्छे से धुल लें, पानी का भी वेस्ट मत करिए। स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। स्टफिंग को करेले में हम अच्छे से दबा दबा कर भरेंगे। ये पंजाबी भरवा करेला खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जब आप इसे खाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम करेला खा रहे हैं, क्योंकि इसमें कड़वापन बिल्कुल भी नहीं है। और इस प्रकार के करेले बनाने के लिए थोड़ा बड़े साइज के करेले लीजिएगा। अब ये जो स्टफिंग हमारी बची है इसको हम बाकी करेले में भर देंगे। कढ़ाई में हम फिर तेल डालेंगे। ये तेल 3 बड़े चम्मच हैं। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाए तब करेलों को इस प्रकार से हम रख देंगे। और रखने के बाद इसको हम ढककर पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हम लो पर रखेंगे। थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे। करेलों को आप पलट लीजिएगा चिमटे से या इस चम्मच से, जिससे भी आपको आसानी पड़े। इसी तरीके से उलट के पलट के हम करेलों को पका लेंगे। इस प्रकार का भरवा करेला बनाने से एक तो तेल भी कम लगता है, और जो लोग हार्ट पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा आयल खाना मना होता है, तो आप इस प्रकार से बनाइए और उन्हें खिलाइए। फिर से करेलों को ढकने के बाद हम चेक करेंगे, फिर पलट देंगे। इस तरीके से चारों तरफ हम उलट के पलट के करेलों को तल लेंगे। बचा कर करिएगा जिससे कि स्टफिंग ना निकलने पाए। फिर आप देखेंगे कि करेले चारों तरफ से आपके क्रिस्पी रहेंगे। थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। सारे करेले पलटने के बाद फिर से हम ढक देंगे। इसे आप रोटी से खाइए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसे चावल से पसंद है वो चावल से भी खा सकते हैं। फिर हम ढक देंगे। 5 मिनट बाद हम फिर चेक करेंगे और फिर पलट देंगे। इस तरीके से हम 3 से 4 बार करेलों को उल्टे पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, करेले हमारे अच्छे से तल चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे।
हमारे पंजाबी भरवा करेले बनकर तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।